Hello, welcome student. Today we will understand next chapter from geography in 10th class. Chapter's name is Agriculture. In this chapter we will understand type of cropping, type of farming, type of cropping एंड पैटर्न ऑफ ए क्रोपिंग. और साथ में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हमारी जो क्रोपिंग है अलग अलग सीजन की, उसमें ईटेबल्स क्रॉप है वो कौन से एरिया में प्रोडक्ट की जाती है. और फिर हमारा एग्रीकल्चर कंट्री होने, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बाद हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या सपोर्ट करती है, इन सभी पॉइंट्स पर हम स्टडी करें. इट्स ओके. तो फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा एग्रीकल्चर. इसमें एग्रीकल्चर के टाइप्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट है प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्राइमेटिव वर्ड्स आते ही हमें समझ में आता है कि अनसीन टाइम का या अर्ली मैन की फार्मिंग. तो यह प्राइमरी जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम की फार्मिंग. तो हम बताएंगे प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है. इट इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल फेजेज ऑफ द लैंड विद द हेल्प ऑफ ए ओल्ड टाइप्स ऑफ ए टूल. पुराने टूल्स के साथ जो फार्मिंग की जाती है और उसमें केवल अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट को फिल किया जाता है, वो जो हमारे पास फार्मिंग होती है वो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है. इट्स ओके. जो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं स्लश एंड बर्न. नेक्स्ट नाम हम इसे दे सकते हैं झूमिंग कल्टीवेशन. ओके. या फिर हम इसको और भी नाम दे सकते हैं कि माइग्रेट होकर के ये एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है माइग्रेट होने के. कैसे होता है सल्स एंड बर्न, स्लस एंड बर्न, बर्न इसको कैसे कहेंगे. ये जो हमारे पास लैंड है इसमें फॉरेस्ट एरिया है. इस फॉरेस्ट एरिया को यहां से इस एरिया को पहले इसको प्लांट्स को काटा जाता है, फिर जलाया जाता है और उसकी जो एस होती है उसको यहीं पे बिखेर करके इसको कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर लेता है. यहां पे कल्टीवेशन करने के बाद जब इसमें फर्टिलिटी लेस हो जाती है तो वो लोग इस एरिया को छोड़कर के दूसरे एरिया में माइग्रेट करके चले जाते हैं. इसलिए माइग्रेट बेस्ड भी कल्टीवेशन होता है, यानी कि एक जगह से छोड़कर के दूसरे जगह पे रिप्लेस हो जाता है. इसको हम झूमिंग कल्टीवेशन बोलेंगे. स्लस एंड बर्न को कैसे बोला कि इसमें पेड़ों को काटा गया, फिर उसको बर्न किया गया और फिर कल्टीवेशन किया गया, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया सलस एंड बर्न. जूमिंग कल्टीवेशन इसलिए किया गया क्योंकि यहां पे ये रिप्लेस हो गए. इस एरिया में कल्टीवेशन जब उसकी प्रोडक्टिविटी लेस हो गई तो ट्रांसफर होकर के यहां पे पहुंच गए. इस एरिया में पहुंच करके वहां से वो कल्टीवेशन करते, फिर इस एरिया में भी जब लेस फर्टिलिटी होती तो नेक्स्ट पार्ट में वो पहुंच जाते. ऐसे हम इसको जूमिंग कल्टीवेशन बोल रहे हैं. इट्स ओके. इसके साथ हम इसमें स्टडी करेंगे कि जूमिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के किस कंट्री में किस नाम से ये जानी जाती है. तो यहां पे हमारे पास आता बेटा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका. इसमें
मिल्पा के नाम से बोला, हमने इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला और वो लोग इसको क्या नाम देते हैं, मिल्प, क्योंकि वर्ल्ड में भी ये कल्टीवेशन होते हैं, अनसीन टाइम में होती थी, अब इसका ट्रेड है वो कम है। बेंजुला में इसका नाम कोनोकू रखा जाता है, कोनोकू बोला जाता है। ब्राजील इसमें इसको रोका के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका इसमें इसका नाम मासोले बोला जाता है। इंडोनेशिया इसमें इसको लदान बोला जाता है। वियतनाम में इसको रे बोला जाता है। ये तो था वर्ल्ड में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इस जूमिंग कल्टीवेशन का डिफरेंट डिफरेंट नेम है जो हमारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। सुनिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इट मींस मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। मणिपुर में इसको पामलू बोला जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसको दीपा के नाम से भर जाना जाता है। अम्फी इसको बेवार या दैया के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी बोला जाता है। ये था जूमिंग कल्टीवेशन का इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट नेम जो आपको लर्न करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। इट्स ओके, ये हमारा पूरा हुआ है प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव होता है बेटा जहां हमारे पास लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, विच एरिया हैज हाई पॉपुलेशन प्रेशर एरिया, लाइक हमारे पास पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट में हाई पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, तो वहां पे छोटे एरिया पे कल्टीवेशन यानी कि यहां पे आउटपुट की प्रोडक्शन ज्यादा ली जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। ये जो हमारे पास लैंड है, ये जो राइट्स हमारे पास है, प्रॉपर्टी का राइट्स जो हमारे गार्जियन से हमें मिला है, जिस बेस पे ये लैंड डिक्रीज, इसकी लैंड का जो पीसेज है वो छोटा होता चला जा रहा है। जो हमारे गार्जियंस के पास था वो हमारे पास है, उससे कम लैंड पे हम सरवाइव करते हैं, जो हमारे पास रहेगा वो कमिंग जनरेशन के पास उससे भी छोटा लैंड पीस रहेगा। तो उसी छोटे लैंड पे, छोटा एरिया पे वो उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा लेनी होती है।
इसलिए वहां पे ज्यादा पॉपुलेटेड प्रेशर होता है और आउटपुट ज्यादा लेने के लिए प्रयास किया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्म। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कॉमर्शियल फार्म। इट इज कल्टिवेटेड फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। इट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसा एरिया है जहां पे हम कल्टीवेशन करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम लेस करते हैं और बाद में उसको सप्लाई कर देते हैं मार्केट में। लाइक हमारे पास टी है जो आसाम वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रोडक्ट होता है, कॉफी है जो कर्नाटक के एरिया में होती है, रबड़ है जो साउथ इंडिया के पार्ट पार्ट में ग्रो किया जाता है, और कुछ ऐसा भी एरिया है जहां पे वो क्रॉप्स, सिंगल एक क्रॉप्स किसी एरिया में वो कॉमर्शियल हो जाती है और किसी एरिया में वो कंजप्शन हो जाती है, यानी कि किसी एरिया में उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। लाइक हमारे पास राइस है, वो राइस उड़ीसा में कंजप्शन के इक्वल ही उसका ग्रो किया जाता है, यानी कि वो प्रोडक्ट होता है, और पंजाब में इसका प्रोडक्शन कॉमर्शियल पर्पज के लिए रहता है। इट मीन्स वहां प्रोडक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है। ओके। ये कॉमर्शियल पर्पज से लिए क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं उसके लिए एच वाई बी हाई यील्ड्स वैरायटी, जिसको आप बेस्ट क्वालिटी का बोलते हो, उसको यूटिलाइज किया जाता है। पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इन सभी का यूज करके उसमें प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है और उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है, जिसको क्या नाम दिया है, कॉमर्शियल फार्मिंग। इट्स ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा क्रॉपिंग पैटर्न। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन, फर्स्ट खरीफ, सेकेंड रबी एंड थर्ड जायद। ओके। अभी हमारे पास समर सीजन है और थोड़े समय के बाद हमारे पास मानसून आने वाली है, तो दोज क्रॉप्स आर शोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड ए खरीफ क्रॉप्स। अभी मानसून आने पर जो क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे वो खरीफ क्रॉप्स की होगी। जो हमारे पास बाजरा है, वो खरीफ क्रॉप्स करते हैं। इसका ग्रॉन सोन अभी जून जुलाई में और इसका हार्वेस्टिंग अक्टूबर के आसपास कर लिया जाता है। उसके बाद में ये समर सीजन की क्रॉप है। उसके बाद में हमारे पास आता है रबी सीजन। रबी सीजन की हमारे पास विंटर सीजन की क्रॉप, इट इज सोन इन अक्टूबर और नवंबर, एंड दीज क्रॉप्स रबी क्रॉप्स हैज रिक्वायरमेंट कूल वेदर। इसमें वाइट, पीज, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ये इसके रवि क्रॉप्स के एग्जाम्पल। ओके। इसका हार्वेस्टिंग होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, और जो मार्च अप्रैल में हम इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद में ये विंटर और खरीफ क्रॉप्स की सीजन के बीच का जो टाइम होता है
इसका हार्वेस्टिंग होता है कब? मार्च अप्रैल में। और इसका कल्टीवेशन होता है, यानी कि इसकी जो बिजाई होती है वो होती है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में भी ना कह करके जुलाई कह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में होता है मैक्सिमम। ये इसके बीच का जो टाइम हमारे पास लगभग 2 मंथ का रह जाता है, इस 2 मंथ के गैप में जो कल्टीवेशन हम करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है? जाय। जो हमारे पास कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, और एनिमल्स के लिए जो फीड तैयार किया जाता है, लाइक जिसको आप बाजर बोलते हैं, वो जो क्रॉप्स हैं वो जायद क्रॉप्स हैं। वो इसके बीच में, खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में जो सीजन होता है, रबी के हार्वेस्टिंग के बाद और खरीफ की सोविंग से पहले जो टाइम होता है, उस 2 मंथ में ही इसका इसकी प्रोडक्टिविटी ली जाती है। तो इसको हमने जायद क्रॉप्स नाम दिया। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा, मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप में हमारे पास आता है बेटा जो ईटेबल्स हैं, जो खाने के काम आता है, उसमें सबसे मेन हमारे पास आता है राइस। इसका कंजप्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा राइस को ही कंज्यूम करने वाले लोग इंडिया में, तो फर्स्ट नंबर पे यही ईटेबल्स है। ओके। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है वाइट। तो हम फर्स्ट राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस के जो क्रॉप होती है वो खरीफ क्रॉप होती है। जिस टाइम पे हम कॉटन तैयार करते हैं, बाजरा तैयार करते हैं, उसी टाइम पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। बट इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें सोइल एक डिफरेंट टाइप की होती है, इट मीन्स अलाइवल सोइल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहता है। और दीज ग्रोव्स हैज रिक्वायरमेंट मोर रेनफॉल। मोर रेनफॉल इट मीन्स 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, और अगर ये रेनफॉल इतनी ना हो तो इरिगेशन सिस्टम के बेस पे भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इस राइस के जो प्लांट होता है उसको ग्रो करने के लिए उसकी रूट होती है वो हमेशा पानी में ही डूबी हुई होनी चाहिए, ऐसे करके उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट्स ओके। तो राइस की जो क्रॉप्स है वो कहाँ होती है? हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इज द मेन प्रोडक्टिव स्टेट। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के एरिया में भी हमें राइस की क्रॉप्स लगते हैं। तो इसके लिए अलाइवल सॉइल चाहिए, मोर वो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इट मीन्स मीडियम टेम्परेचर, इसको जरूरी होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है,
उसके बाद में हमारे इंडिया में आता है। इट्स ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।